मैं इस नए सेशन को एक नए सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी वहां मीडिया के मामले में पढ़ा रही हैं, मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इसको दो तरीके से देख रहा हूं। एक तो मीडिया के अपने काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना दखल हो चुका है, कितना और आगे होने जा रहा है, कैसे ये मीडिया के काम को प्रभावित करेगा, कितने लोगों को बेरोजगारी का खतरा रहेगा इसकी वजह से, ये कुछ सवाल लोगों के दिमाग में हैं। आप उसको ज्यादा अच्छी तरीके से जानती हैं। दूसरा मुझको एक सवाल और लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। वो डेवलपर्स मेरे जैसे कंज्यूमर, जो कि मैं एक मीडिया क्रिएट कर रहा हूं और दूसरे मीडिया का कंज्यूमर हूं, तो हो सकता है कि ऐसे डेवलपर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड कुछ ऐसे टूल्स मेरे लिए लेके आए कि जो मेरा समय बच सके। जो मैं आपसे कह रहा था कि मैं कुछ चीजों को छांट सकूं, कुछ को कम कर सकूं, कोई खबर मैं चाहता हूं कि इसको कुल 300 वर्ड्स में ही पढ़ लूं, मैं बहुत लंबा नहीं चाहता। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कुछ एक टूल्स एक कंज्यूमर के लेवल पर भी आ सकते हैं और जर्नलिस्ट के लेवल पर भी आ सकते हैं। मैं इस पूरे के पूरे सीन को आपके नजरिए से समझना चाहता हूँ। क्या दिखता है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद की जिंदगी मीडिया देखिए कैसे? आर्ट हाँ मीडिया के संदर्भ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम ये बोल सकते हैं कि अब शायद जर्नलिस्ट को ज्यादा टाइम मिलेगा फॉर बेटर जर्नलिस्ट, कि काफी सारी चीजें तो ऐसी हैं जो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के जरिए वो कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, तो आपकी एक ड्राफ्ट बन जाएगा, हाँ उसके बाद आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो एक मतलब ये है कि आप उन चीजों में अपना समय ना वेस्ट करें जो अपने आप हो सकती है। हाँ और आज के समय में तो हर चीज के लिए टूल है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंटेंट तैयार करना है, आपको एक स्टोरी तैयार करनी है, उसके लिए आपके पास टूल है। आपको एक वीडियो तैयार करना है, वीडियो में केवल आपको मान लीजिए आपने स्टोरी लिख दी, उस स्टोरी को ही टेक्स्ट को ही वो वीडियो में कन्वर्ट कर देगा विद द पिक्चर्स। तो ये सारी चीजें तो हैं, मतलब आपके पास बहुत समय होगा जर्नलिस्ट के पास, ताकि वो जैसे जो हम पहले बात कर रहे थे कि वो ज्यादा एनालिसिस करें, ज्यादा ओपिनियन पीसेस आए रादर देन फैक्ट बेस्ड जो स्टोरी है वो लोगों को प्रोवाइड करें। एक तो ये है, दूसरा ये है कि जो ह्यूमन टच है और जो क्रिएटिविटी है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स में नहीं है, वो तो जर्नलिस्ट को खुद ही लेकर आनी पड़ेगी। और समझ लोगों की, जैसे मान लीजिए मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मुझे पता है कि मेरा ऑडियंस पर क्या क्लिक करता है, तो मैं अपनी स्टोरी उसी तरह से लिखूंगी और उसी तरह से उसको प्रेजेंट करूंगी, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नहीं कर सकता है। चाइना में तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर पर्सन है, जी पर जब वो एंकर पर्सन जब न्यूज रीड करते हैं तो आप उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देखते। वो बहुत अच्छे हैं, वो हाँ बहुत आर्टिकुलेट है, वो हमारे जैसे शायद फंबल नहीं करते हैं, हाँ बट आपके वो कनेक्ट शायद नहीं कर पाएंगे अपने ऑडियंस के साथ। तो वो जो ह्यूमन टच है वो नहीं आ पाएगा। जो एक स्टोरी में एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, चाहे आप वो वीडियो बना रहे हैं, वो नहीं आ पाएगी। तो हमारा ये मानना है कि जो भी टूल्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स हैं, उनके साथ ज्यादा कॉम्पीट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं कर सकते हैं, वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। अगर आप सोचें कि मैं जर्नलिस्ट हूं और मुझे सब आता है, इनको नहीं आता है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको हर डिसिप्लिन की जानकारी नहीं हो सकती है। तो यूज दीज आर्टिफिशियल टूल्स एज अ फैसिलिटेटर, आपका काम करने में आपकी सहायता कर दें, एंड यू एड समथिंग टू दोज टूल्स टू दोज स्टोरीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स नहीं कर सकते, वो हमें करने की जरूरत है। और आपने हमें ये जो सिखाने की भी जरूरत है जी टीचर्स स्टूडेंट्स को भी और जो हाँ जर्नलिस्ट हैं उनको भी, कि आप यूज करो पर कैसे यूज करो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपने जो ह्यूमन टच का कहा ना, मैं उसमें छोटी सी चीज ऐड करना चाह रहा हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का टेक्नोलॉजी रिपोर्टर जो है, वो अभी एक चैटबोट के साथ में बात कर रहा था, और चैटबोट जो है, इट स्टार्टेड फ्लर्टिंग विद हिम, और इस हद तक फ्लर्ट करने लगा उसके साथ में, करने लगी उसके साथ में,
कि वो परेशान हो गया, वो उसको इमोशनली एक्सप्लाइट करने लगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थी ये चैटबॉट, और आखिर में जाके उसको वहां से हटना पड़ा, वो इमोशनली डिस्टर्ब रहा। फिर उसने एक पीस लिखा इस बारे में, और उसने ये लिखा कि अगर ऐसे ही किसी चैटबॉट से वास्ता किसी ऐसे का पड़े जो डिप्रेशन का शिकार है, तो ये चैटबॉट उसको गाइड करते करते सुसाइड की तरफ भी ले जा सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं सुसाइड के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने के लिए तो आर्टिफिशियल है, लेकिन बहुत तेज रफ्तार से छलांग लगाकर ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, और ह्यूमन टच जो है इनमें किस दिन आ जाएगा, जो हमको टच करने लगेगा, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है अंदाज लगाना, लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा अभी लोगों को दिख रहा है। देखो, ये तो आपने जो मेंशन किया है इसको हमने अपनी बुक में मेंशन किया है। हमारी बुक अच्छा, आप अगर ऐसा आप क्या? पढ़ेंगे अच्छा उसमें हमने कहीं ना कहीं इसको डाला है। हाँ, उसके साथ हमने एक केस स्टडी अमेज़न की दी है। अच्छा अमेज़न का रिक्रूटिंग इंजन है। रिक्रूटिंग इंजन अपने आप को, ये क्या है कि कंटेंट के बेस पे अपने आप को ही फीड करते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। तो जो रिक्रूटिंग इंजन ने क्या करना शुरू किया कि उन्होंने जो एप्लीकेशंस थी, फीमेल्स की एप्लीकेशंस, उनको कम प्रेफरेंस देते थे एज कंपेयर टू मेल एप्लीकेशंस। ये अपने आप होना शुरू हो गया। एंड व्हेन दे रियलाइज कि ये सब चीज हो रही है, देन दे हैड टू शट दैट यू नो रिक्रूटिंग इंजन। हाँ तो ये सारी चीजें हैं। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल गो रॉन्ग। आप चैट जीपीटी को भी देख लीजिए। आप कोई चीज पूछेंगे और वो आपको बताएगा जरूर, ये बोलेगा मेरे पास आंसर है, बट देन अगेन दैट ह्यूमन इंटरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। यू नीड टू बिल्कुल, सी यू नो वेदर दैट यू नो चैटबॉट हैज गिवन यू समथिंग, वेदर या इट्स राइट और रॉन्ग। अब यस, हमने तो हमारे को ही सर्च कर लिया, हमने कहा चलिए हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं कि जानते हैं क्या हमें। हाँ तो उन्होंने पहले बोला नहीं जानते, तो हाँ थोड़ा और बताइए अपने बारे में। तो हमने अपना अपने साथ अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख हाँ दिया। फिर भी गलत जानकारी मिली, फिर भी हाँ आया कि बाकी सारी चीजें तो ले लिया वेबसाइट से, जैसे भी उन्होंने उनका कंटेंट फीड हुआ हुआ है। देन दे सेड कि नहीं, शी इज फ्रॉम एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, किसी और ही इंस्टीट्यूट का नाम लिखा, जस्ट फैक्चुअली रॉन्ग। तो हम सबको, हम अपने स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि हाँ, आप चीजें देखो उस पे, बिल्कुल एंड देन बिल्कुल। यू ट्राई एंड क्वेश्चन दैट कि वो सही है कि गलत है। मेरे एक दोस्त ने अभी अमेरिका से लौटे तो उनके मोबाइल फोन पर चैट जीपीटी का मोबाइल ऐप डला हुआ था, जो शायद यहाँ नहीं आया है, वहां से डलवा के लाए थे। यहाँ उन्होंने मेरा नाम सर्च किया, सुनील कुमार, तो कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने जर्नलिस्ट छत्तीसगढ़ डाला, तो चैट जीपीटी ने करीब 700-800 वर्ड्स जो हैं मेरे बारे में, तमाम किस्म की फर्जी बातें, इतना वैल्यू बेस्ड जर्नलिस्ट है, इतना प्रिंसिपल्ड है, ये है वो है, यानी तमाम एडजेक्टिव्स, और सब्सटेंस उसमें कुछ नहीं, तमाम मेरी तारीफ उसने कर दी, पूरा का पूरा ऐसे मेरी तारीफ में जैसे चारण या भाट लिखते थे राजाओं का, ऐसा लिख डाला, उसमें सब्सटेंस कुछ नहीं था। तो हाँ, ये नहीं एक तो वही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंटेंट आपके पास आ जाएगा, बट बहुत से ऐसे हुए हैं, जैसे आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की बात बताई, बंद मैंने अमेज़न की बात बताई, उन्होंने अपने जो चैटबॉट से उनको बंद किया कि ये तो किया। यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो ह्यूमन इंटरवेंशन तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, बट अब ये मौका है यहाँ पर खास तौर से न्यूज रूम में कि भाई किस तरह का ह्यूमन इंटरवेंशन। और यहाँ पर हम लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि अब किस नई ट्रेनिंग्स की जरूरत है और किस तरह के बैकग्राउंड के लोगों को हमें अब न्यूज रूम में और लाने की जरूरत। हाँ क्योंकि अभी तक क्या था कि भाई न्यूज रूम की जब भी बात होती थी तो कंटेंट क्रिएटर्स, जिसका कमांड है लैंग्वेज पे, इंग्लिश, हिंदी या अदर लैंग्वेजेस, यही लोग हैं जो यू नो जर्नलिस्ट बन सकते हैं। पर अब तो हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो हमें ये लगता है कि बहुत से ऐसे लोग भी लाने पड़ेंगे जिनको टेक्नोलॉजी की भी समझ है, ये और बताइए, वो एक दो ये डिसिप्लिन का अभी जो बताइए कि मर्ज होने। मेरी जनरेशन हाँ के जो जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने काम कर करके सीखा हुआ है और थोड़ा बहुत सिखा भी देते हैं दूसरों को, या कुछ थोड़ा जी बहुत पढ़ा देते हैं यूनिवर्सिटी में, ये जो हाँ न्यू एज ऑफ मीडियम है, न्यू एज ऑफ मीडिया है, या न्यू मीडिया जो है, इसके साथ काम करने के लिए जिस स्किल के लोगों की जरूरत है, जितने हुनरमंद लोग लगेंगे आज न्यूज रूम में काम करने के लिए, क्या
एक बार फिर से ओवरहॉल करने की जरूरत है मीडिया की टीचिंग को, मीडिया के कोर्स को, कि पुराने कन्वेंशनल हिस्से को डेड वुड की तरह अलग कर दिया जाए, पतझड़ की तरह उन पत्तों को अलग कर दिया जाए, और बिल्कुल ही नई कोपलों की जरूरत है सिलेबस में। नहीं, मुझे ऐसे नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि एक्सपीरियंस जो है, जो भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनका एक्सपीरियंस जो है, और जो जिस तरह का जो काम करने का तरीका है, ठीक है, उसको तो हमें वैसे ही लेकर चलना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अच्छी भी हो रही हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्कुल नकार दो जो पहले हो रहा था और बिल्कुल नया लेकर आओ। नहीं, मुझे ये लगता है कि और ओवरहॉल भी नहीं करना है, हमें ये लगता है कि अपस्किल करने की जरूरत कि आप अगर मान लीजिए एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको सब पता है, वो अपने फील्ड में शायद हमसे ज्यादा जानते हैं, उनका बट विजडम उनको बहुत ये बड़ा बताने है। की, उनका विजडम बहुत बड़ा है, उनका एक्सपीरियंस को लेकर ही हमें आगे चलना पड़ेगा। नए लोग, जो नई टेक्नोलॉजी केवल हम लोगों को आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइड में हटिए, अब हम काम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पर मुझे ये लगता है कि जो सीनियर लोग हैं, जो काफी एक्सपीरियंस के साथ जो आते हैं, उनको भी अपस्किल करने की जरूरत है। कि टेक्नोलॉजी अपस्किल करना में कोई बुराई तो है नहीं, तो अपस्किल करने की उन लोगों को जरूरत है। एक चीज ये और ये बताओ। बहुत अच्छी चीज है, एक एक सेकंड में बोलना चाहूंगी, न्यूज रूम में जो यंग लोग आते हैं और जो सीनियर लोग हैं, मतलब बैठ के अच्छे से बातचीत करें, और कहीं पे भी कोई बुराई नहीं है कि अगर मान लीजिए एक जूनियर को आपसे ज्यादा टेक्नोलॉजी आती है, वो आएगी, वो जाहिर सी बात है वो उसके साथ बड़ा हुआ है, तो सीखने में कुछ गड़बड़ नहीं है। हम तो अपने स्टूडेंट से सीख लेते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि न्यू मीडिया हम पढ़ाते हैं बट हम उनसे पूछते रहते हैं और नया क्या आया है, इसको कैसे यूज करते हैं। हम अपने बच्चों से करते हैं, हमारे बच्चे हमें कई बार बोल देते हैं कि अच्छा किसका क्लास है, वर्कशॉप लेने जा रहे हो, हमने कहा कि कभी मिनिस्ट्री में हमें वर्कशॉप लेने जाना था इंस्टाग्राम पे, तो हमने कहा इंस्टाग्राम पे, तो वो हंस रहे थे, बोलते इंस्टाग्राम पे वर्कशॉप की जरूरत होती है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। हमने कहा नहीं, होती है, कुछ लोगों के लिए होती है। हाँ तो ये सब चीजें हैं, एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। तो बिल्कुल हटाना नहीं, नकारना नहीं, बट एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, और तभी मेरे को लगता है कि ऐसे ही काम करना है। एक चीज मुझको बतलाइए। 2 मिनट पहले आपने कहा कि अब जर्नलिस्ट के पास समय अधिक रहने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनका कुछ ग्राउंड वर्क कर देगा, कुछ रफ वर्क कर देगा, और वो दूसरा बेहतर काम कर सकते हैं जर्नलिज्म का। थोड़ा सा एक बार सोचिए मैनेजमेंट के नजरिए से, कि मैनेजमेंट इसको किस तरीके से लेगा, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब बल्क ऑफ दी वर्क कर रहा है, अब बहुत कम लोगों के काम करने की जरूरत है, और बहुत सारा काम तो ये कर दे रहा है, तो अब उतने राइटर्स की, उतने जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये एक खतरा आपको दिख रहा है क्या, जो पूरी दुनिया में लोगों को लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की नौकरियां खा सकता है, तो मीडिया में आपको क्या लगता है? आपने खुद ही 2 मिनट पहले कहा कि रिपोर्टर्स का, जर्नलिस्ट का कुछ काम ये कर देगा, आपके पास दूसरे काम के लिए समय रहेगा। तो जब जर्नलिस्ट के पास स्पेयर में समय रहेगा, तो मैनेजमेंट का नजरिया उसको देखने का ये रहेगा कि अब मेरे को इतने जर्नलिस्ट की जरूरत नहीं है, इनके सबके पास समय है खाली। मैनेजमेंट को इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि अगर ये इंडिविजुअल इस जगह से फ्री हो रहा है, यानी कि इसको ये चीजें रेडीमेड मिल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो इसके लिए मैं कौन सी ऐसी ट्रेनिंग कराऊं जिससे ये और अलग तरीके से कोई और काम कर सके। अब और जैसे प्रोडक्टिव हमारे प्रोडक्टिव यूज और हो प्रोडक्टिव सके। काम कर सके, हो सकता है कोई डिफरेंट काम से। फॉर एग्जांपल आप डेटा जर्नलिज्म की बात कीजिए, हमारे टाइप मतलब इंडिया के अंदर आप देखें तो बहुत ज्यादा न्यूज रूम्स नहीं है जहाँ पे डेटा जर्नलिज्म हो रहा है। हाँ नहीं है। तो क्यों, अगर ठीक है ये चीजें आपकी आराम से हो रही हैं, तो क्यों नहीं अपने जो लोग हैं उनको डेटा जर्नलिज्म पे आप ट्रेनिंग दो? क्यों नहीं उनको अलग अलग जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो विजुअलाइजेशन के टूल्स अवेलेबल हैं, उन पे ट्रेनिंग करो। वो काम अगर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है तो उनको दूसरा काम करने दो। तो मैनेजमेंट को इस तरह से सोचना चाहिए, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग करनी चाहिए कि जहां पे काम की जरूरत नहीं है वहां पे लेट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क ऑन दैट, एंड देन ट्रेन योर ओन पीपल इन अदर एरियाज। एक चीज अनुभूति मुझको समझाइए जरा।
कि हमारे पास व्हाट्सएप पे अगर किसी खबर का सैलाब आने लगता है, 10-20 अलग अलग ग्रुप्स में आने लगती है कोई न्यूज कि ऐसी जी घटना हो गई, ये हो गया, तो जी मेरे रिपोर्टर्स उससे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। मेरे कमरे में टेलीविजन चलते रहता है तो उसमें लगातार कोई न्यूज आ रही है कई चैनलों पे, तो उनसे कुछ हद तक मैं इन्फ्लुएंस होने लगता हूँ कि शायद ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, शायद लोग इसको देखना चाहते हैं। ये जो एक मीडियम दूसरे को जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, और खासकर ट्विटर का आपने भी जिक्र किया कि हम सुबह देखते हैं ट्विटर पर ट्रेंड क्या कर रहा है, जो ट्रेंड कर रहा है उस लाइन पे हम सोचें तो हमारा कंटेंट जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म को, एक मीडिया दूसरे मीडिया को रियल टाइम बेसिस पे जिस हद तक इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये जजमेंट को कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, लोग अपना ओरिजिनेलिटी इन जजमेंट खो रहे हैं क्या इससे कुछ हद तक? ये तो है। देखिए, मान लीजिए ट्विटर पे कुछ ट्रेंड हो रहा है, तो आपने तो न्यूज रूम में जाके मॉर्निंग में सोचा ही नहीं ना किस एरिया पे हमें रिसर्च करनी है या कौन सी नई स्टोरी एक्सप्लोर करनी है। आपके पास तो सीधा सीधा आपको कंटेंट मिल गया और आप आपने उसी पे काम करना शुरू कर दिया। तो ये तो चीज हो रही है और ये होगी भी, क्योंकि देखिए जब आप न्यू मीडिया की बात करते हैं, आप अगर चाहते हैं ऑडियंस आपके पास आए, तो जो ऑडियंस कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, उसको सर्च कर रहा है, वो आपको डालना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आप YouTube चैनल चलाते हैं, है ना, आपको ये देखना जरूरी है कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वही रिक्वायरमेंट है। जब आपका कंटेंट उनके कीवर्ड से मैच करेगा, तभी आपका कंटेंट ऊपर आएगा, जो कि जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल तो जरूरी तो है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए मार्केट में पहले अच्छे, ठीक है, आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट थे, हाँ अभी भी आप हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है आपकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने में। तो इतना भर तो ये रहेगा ही रहेगा। बाकी जैसे हम बोलते हैं कि भाई आपका जो एडिटोरियल, जो आपका विजडम है, ये हाँ उसको हम लोगों को यूज करना चाहिए, कितना क्या चला। अब देखिए रशिया यूक्रेन जब वॉर ब्रोक हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, वीडियो गेम्स के फुटेज चला दिए न्यूज हाँ चैनल्स ने, ये बिल्कुल बोलकर ये हो रहा बिल्कुल है वहां पर, बिल्कुल वो इसी में, इसी भागा दौड़ी में हुआ ना कि वहां पे आ रहा है तो हमें भी कुछ चलाना है, किसी ने कुछ भेजा रहा, आपने वो चला दिया। हाँ तो आज के टाइम पे क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही है, एक जर्नलिस्ट के लिए और जो लोग न्यूज रूम में बैठे हैं उनके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम है। हाँ इतनी सारी न्यूज को फैक्ट चेक करना, वेरीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता बहुत है, मुश्किल है। बट वो करने की जरूरत है, हाँ क्योंकि बीइंग कंटेंट क्रिएटर, हाँ इंफॉर्मेशन इज हाँ आर ब्रेड एंड बटर, है ना, हम वी कैन नॉट गो रॉन्ग विद दैट, हम उसके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। तो उसमें अपने जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको ट्रेन करने की जरूरत है, ताकि हम लोगों को और ऐसी खबरें ना सुनने को मिले कि 2000 के नोट में चिप है या जो भी है, बिकॉज इवन न्यूज रूम्स हैड फॉलन फॉर मिस इन्फॉर्मेशन नंबर ऑफ टाइम्स। हाँ और वो इसीलिए होता है क्योंकि ये सब जल्दी जल्दी हो रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, हमें भी लेकर आना है। तो इस भागा दौड़ी में आप बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हो, जो कि एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करनी चाहिए। अवॉइड जितना हो सकता है उतना पॉसिबल होना चाहिए। ये जो आपने कहा कि हड़बड़ी में होता है, हड़बड़ी उसका एक रीजन है। उसका एक दूसरा बड़ा रीजन मुझको ये लगता है कि जब आपके पास ये बायस है, आपका ये बायस है कि मुझको इस डिसीजन को प्रमोट करना है, इस डिसीजन की तारीफ करनी है, इस डिसीजन को कंडेम करना है, तो आप उसके लॉजिक ढूंढने लगते हैं। आपके हाथ में कागज है, उसको ऐसे रोशनी की तरफ करके देख सकते थे कि उसमें छिप है कि नहीं। तो उसको देखने की बजाय आप उसको चिप को साबित कर रहे हैं कि 20 मीटर की डेप्थ तक ये सैटेलाइट पकड़ लेगा, तो आप कितना भी गाड़ दें पता चल जाएगा। वो तो एकदम ऐतिहासिक है, यानी वो तो फैक्ट चेकिंग में पुलित्जर देने लायक वो एक है। तो मैं ये देख रहा हूं कि जर्नलिस्ट जहां पे एक बड़े स्ट्रांग बायस के शिकार हो जाते हैं कि मुझको आपकी किताब की तारीफ करनी ही है, करनी ही है, तो मैं उसके एक एक पन्ने को निकाल निकाल के उसकी तारीफ करूं, जो आपने नहीं लिखा है वो
मिसाल भी उसमें ढूंढ कर मैं उसकी तारीफ कर लूं कि अनुभूति यादव की किताब में एक चिप लगा हुआ है, आप उसको पढ़ेंगे तो वो रिकॉर्ड करेगा कि आपने किस पन्ने पे कितना समय गुजारा है। ये स्ट्रांग बायस जो है मीडिया में, समहाउ मुझको लगता है कि जो एक फंडामेंटल ट्रेनिंग जो मीडिया की होनी चाहिए कि बायस से फ्री रहने की, पूर्वाग्रहों से आजाद रहने की, बिल्कुल बिल्कुल वो तो कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, नए टूल्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, अगर इस ह्यूमन वीकनेस के कोई शिकार हैं तो वो तो किसी भी चीज में चिप निकाल लेंगे। वो फिर आप आम कैसे खाते हैं, चूस के खाते हैं, तो फिर चिप को खा लेते हैं कि छोड़ देते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए, यही तो रीजन है कि हम बोलते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में लोगों का जो ट्रस्ट पहले था हाँ वो अब नहीं, बिल्कुल और शायद यही रीजन है जिसकी वजह से ये जो न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो नए नए आ रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अच्छा ये इस तरह की बातें करते हैं, ये इस तरह की बातें करते हैं, कोई एक ऑल्टरनेट होना चाहिए जो कि बैलेंस्ड है, जो कि न्यूट्रल है, और हाँ वो कोशिश है, हाँ जरूरी नहीं है कि वो हो ही जाएगा, उसमें भी हर तरह के आपको कंटेंट भी मिल जाएगा और हर तरह के प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे, बट ये एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे जो नए ऑल्टरनेट मीडिया जो हाउसेज हैं वो आ रहे जी हैं। जी और दूसरा, जो आपका कंज्यूमर भी है उनके लिए भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि उस कंटेंट को सिफ्ट करना कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या डिस इन्फॉर्मेशन है। तो जितना चैलेंजिंग आज के टाइम पे न्यूज रूम में है, उतना ही चैलेंजिंग जो कंज्यूमर है बिल्कुल कंटेंट का उसके लिए बिल्कुल भी है। और हम इसीलिए आजकल बातचीत करते हैं मीडिया लिटरेसी की। जी मैं तो अपना जो भी कॉन्वर्सेशन होता है फाइनली उसको लाकर मीडिया लिटरेसी पे छोड़ती हूँ, क्योंकि जी मुझे लगता है कि सोल्यूशन इसी में है कि आम जनता को ये पता होना चाहिए कि कंटेंट को कैसे एक्सेस करें, कौन जी से सोर्सेस हैं जिनको आप बोलो कि अथॉरिटेटिव सोर्सेस हैं, किस तरह से उसको एनालाइज करें कि किसने इस कंटेंट को बनाया, क्यों ये बनाया गया, क्यों इसमें ये पार्ट डाला और इसमें से ये निकाल दिया, इसके पीछे क्या रीजन था, कौन इसका ये ओनर है मीडिया हाउस का। तो ये सब चीजें हमें लोगों को बताने की जरूरत है ताकि वो एक वाइज, जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर ऑफ मीडिया मैसेजेस बने जी और मीडिया लिटरेट बने। एक एक बड़ा दिलचस्प और जरूरी सवाल बाकी है मेरा, वो ये है कि नई टेक्नोलॉजी आने से आज कोई भी व्यक्ति एक डोमेन नेम बुक करके एक वेबसाइट बनाकर जर्नलिस्ट बन सकते हैं, और वो जर्नलिस्ट कैटेगरी में टेक्निकली आ जाते हैं कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं न्यूज़ व्यूज पोस्ट कर रहा हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं जिस स्टेट में हूँ, छत्तीसगढ़ में, यहाँ सरकार उनको रिकॉग्नाइज भी कर रही है कि ये डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं, रिकॉग्नाइज कर रही है। तो इससे एक फ्लड गेट खुल गया है, इससे लाखों लोग अब जर्नलिस्ट हो सकते हैं इस नई डेफिनेशन में और इस नई टेक्नोलॉजिकल सहूलियत से। इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, इनके कोई वैल्यू सिस्टम ग्रूमिंग नहीं हुई है, मैं ये नहीं कहता कि इनके कोई सिद्धांत नहीं है, वो तो मीडिया में काम करने से सिद्धांत हो जाए ऐसा नहीं होता है, हम तो देख रहे हैं कि मीडिया में चिप भी हैं सिद्धांत के साथ साथ। मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग जो कभी जर्नलिज्म में नहीं रहे वो आज जर्नलिज्म में आ गए हैं, चाहे इसको हम सिटीजन जर्नलिज्म कहें, चाहे हम कुछ भी कहें, इसको ऑनलाइन जर्नलिज्म कहें, यूट्यूब जर्नलिज्म कहें, आज हर किसी को सहूलियत है कि मैं भी जर्नलिस्ट हूं, ऐसा सबके लिए सहूलियत है। ये एक किस्म से लोकतांत्रिकरण भी हो गया है अखबार नवीसी का, जर्नलिज्म का, एक तरीके से ये अराजकता भी हो गई है। ये इसके बारे में क्या लगता है आपको कि ये डेमोक्रेटिक ज्यादा है कि ये अनार्किस्ट ज्यादा है ये? देखिए, हमें पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ये हो क्यों रहा है। अगर आप मीडिया सेक्टर लें, और इतने सारे हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मीडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इतने को हजारों लाखों बच्चे हैं जो मीडिया का कोर्स करते हैं। अब आप देखिए, कोर्स करने के बाद नौकरियां कहाँ हैं? कहीं नहीं। एक तो ये कि नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो क्या करें, उनके पास तो ये एक माध्यम है जिससे उनको लगता है कि वो अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ
और उसमें मुझे मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। आज के टाइम पे तो हम क्रिएटर इकोनॉमी की बात करते हैं, बिल्कुल हम ये बात कर रहे हैं कि लोग अपना खुद स्टार्ट कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरियल जर्नलिज्म की बात करते हैं। कुटीर तो उद्योग हाँ, तो ये है कि वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट जो आपने बात ये बोली है कि ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि एक मीडिया का जो स्टूडेंट है, अगर वो डिसाइड करता है कि भाई मुझे अखबार में काम नहीं, और हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे अखबार में काम नहीं करना, मुझे चैनल में काम नहीं करना, मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है। और जी एक और इम्पोर्टेंट चीज हो रही है, जो ये नए लोग हैं उनको ये लगता है कि बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जिनकी का जिक्र ही नहीं होता मेनस्ट्रीम मीडिया। और हमारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली से वापस अपने शहर गए, अपने राज्य में गए हैं, और वहां पर इन्होंने हाइपर लोकल प्लेटफॉर्म्स शुरू किए हैं, जिसमें जैसे आपका अपना रायपुर की अगर आप बात करें, तो वहां के लोगों की जो आवाज है, वहां के लोगों के जो मुद्दे हैं, वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको वो उठाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें लगता है कि डेमोक्रेटाइज किया है। और देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप इंटरनेशनली देखें, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स रहे हैं जहां पर बच्चों ने स्टार्ट किया है और कंटेंट इतना अच्छा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने उनके कंटेंट को कैरी किया है। तो ये सही है। द ओनली इश्यू इज कि एक बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि आप ऐसे कोई भी जर्नल, फिर तो आप तो ये कह रहे हो कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो 5 साल के, 3 साल के, 2 साल के, 1 साल के कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं, ऐसा नहीं है। वो बहुत जरूरी है एक बेसिक ट्रेनिंग जर्नलिस्ट की। अब जो आप बात कर रहे हैं एक्रेडिटेशन की, कि भाई इनको भी किसी भी यूट्यूब चैनल को एक मान्यता दे देते हैं कि भाई हाँ आप जर्नलिस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो वहां पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी, सरकारों को भी, राज्य सरकार को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरवीन करने की जरूरत है। अगर मान लो किसी को आप बोलते हैं तो किस बेसिस पे, एक फॉर्म तो वो पक्का भर के देते होंगे, ऐसा नहीं है भैया। जब आप न्यूज़पेपर की बात करते हैं वो रजिस्टर होता है, जब आप चैनल्स की बात करते हैं तब सब कुछ होता है, तो एक इस प्लेटफॉर्म के लिए क्यों नहीं होता? तो केवल कि आपको हम ये बोलें कि आप एक मान्यता प्राप्त जर्नलिस्ट हो, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक बेसिक ट्रेनिंग होना चाहिए, उनकी टीम होनी चाहिए। मैं तो ये भी बोलती हूँ, अगर मान लीजिए आपके पास वेयरविदॉल है, पैसा है, आप चला सकते हो, आपने लॉन्च कर दिया, हैव एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी में 2 जर्नलिस्ट रखो, 2 एजुकेटर्स रखो, एटलीस्ट आपको एक थोड़ा सा गाइडेंस वहां पर मिल जाएगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिल्कुल अराजकता वाली बात है, मैं अभी भी इस बात में विश्वास करती हूँ, रखती हूँ कि इट हैज डेमोक्रेटाइज मीडिया लैंडस्केप। बिल्कुल हमें केवल वो 10 लोगों की आवाजें नहीं सुननी है, और वो 10 लोग हमें ना बताएं कि क्या जरूरी है। हर इंसान के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए, जो अलग अलग क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है, उनके अपने मुद्दे हैं जो कि उतने ही जरूरी हैं जितना दिल्ली में बैठे हुए लोगों के मुद्दे जरूरी हैं। बिल्कुल तो हम इसको इस तरीके से देखते आप जो हैं। कह रही हैं उस सो कॉल्ड ओल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, उसकी हालत ये है हिंदुस्तान में, उसका 80% मालिकाना हक एक जाति के पास है, उसका 80% एडिटोरियल कमांड एक अलग जाति के पास है। तो ये एक किस्म की सोशल मोनोपोली इनके ऊपर हो गई थी, यानी मीडिया मिल्कियत के ऊपर भी और मीडिया के एडिटोरियल डिसीजंस के ऊपर भी बहुत बुरी तरह। मैं मेरे अखबार में कोशिश करता हूं कि मुझको एक दलित या आदिवासी कोई एडिटोरियल मेंबर मुझको मिल जाए, यहाँ पर बहुत मुश्किल होती है ढूंढने में। किसी वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस के लिए मुझको अगर लिस्ट बनानी है पार्टिसिपेंट्स की, तो मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ। मैंने ट्रांसजेंडर ज़्यादा आसानी से ढूंढ लिए यहाँ पर उसके लिए, लेकिन मैं मेनस्ट्रीम मीडिया में दलित और आदिवासी एडिटोरियल वर्कर नहीं ढूंढ पाया यहाँ। तो मुझको लगता है कि जो लोग खुद होकर एक वेबसाइट चला रहे हैं या एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, वहां पे एक ज्यादा बड़ा स्कोप है इन आवाजों को जगह मिलने का।
जी यानी मैं आपसे जी सवाल जरूर कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। आई वॉज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट वाइल आस्किंग यू दिस क्वेश्चन। नहीं, मुझे मतलब हम तो हमेशा से ये बोलते हैं, और हमने तो केसेस ऐसे देखे हैं अपने स्टूडेंट्स के, और हमें बहुत अच्छा लगता है हाँ जब वो आए वापस हमारे पास, बोलते हैं हम वापस जा रहे हैं, तो एक बार हमें लगा कि अरे मतलब ये वापस क्यों जा रहे हैं, बट जब वो जाके देखते हैं कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं, हाँ देन आई फील दैट दिस इज द रियल सर्विस, हाँ जो हम जर्नलिज्म की बात करते हैं, दिस हाँ इज द रियल हाँ जर्नलिज्म. बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज मैं आखिरी में, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है जो थोड़ा सा पर्सनल भी है। आप अपने समाचार और विचार, इसकी खुराक पाती कहाँ से हैं, कौन से सोर्स हैं, अखबार, ट्विटर, फेसबुक, वेबसाइट, कहाँ से आप अपने लिए समाचार लेती हैं, कहाँ से आप अपने लिए पढ़ने को विचार लेती हैं। मैं उससे ये अंदाज लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि सोर्स किस तरह के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इस बात को। तो मेरे जो सोर्सेज है वो मल्टीपल सोर्सेज हैं. हमारे पास हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरा ये एक फेवरेट है. तो अगर जैसे मान लीजिए सुबह अगर हम न्यूज़पेपर से स्टार्ट करते हैं, ऑफिस आते आते हमारा लैपटॉप खुल जाता है, लैपटॉप में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, हमारे इंटरेस्ट हैं जैसे मान लीजिए एजुकेशन पे हैं, तो हम एजुकेशन हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा सोर्स पढ़ेंगे, तो हम तो केवल कंटेंट डालते हैं कि हमें इस पे पढ़ना है, और फिर वो जो 5 सोर्सेज आते हैं उसमें से हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या हमें देखना है, तो ये हम करते हैं. दूसरा, जो आप पॉडकास्ट सुनते हो, हम पॉडकास्ट बहुत सुनते हैं क्योंकि 1 घंटे का ड्राइव होता है हमारा गुड़गांव से लेकर दिल्ली तक, तो उस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें, तो वो पॉडकास्ट डिफरेंट चैनल्स के, वो भी अलग-अलग, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ बन जाओ. और ऑफ कोर्स शाम तक पहुंचते पहुंचते आपका फेसबुक और ट्विटर खुल जाता है, तो वहां से आती है. तो देखिए न्यू मीडिया यही है कि हाँ आप, वो कन्वर्जेंस की बात है कि आज के टाइम पे जो सोर्स पहले क्या होता था, एक, या भाई मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं शाम को न्यूज़ नहीं देखता हूँ, या हाँ मैं न्यूज़ देखती हूँ मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा सिचुएशन है ही नहीं. हाँ आपको हर चीज ऑटोमेटिकली आपके साथ होती जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या क्या प्लेटफॉर्म्स और किस किस फॉर्मेट में न्यूज कंज्यूम जी। कर रहे हैं. चलिए, अनुभूति आपसे बड़ी दिलचस्प बातचीत रही, और मैं अगली ऐसी किसी बातचीत में खुद भी कुछ सीखने की कोशिश करूंगा जो आपके सिलेबस की चीजें मुझको मालूम नहीं थैंक यू सो मच, है। थैंक यू तो सो मच. बहुत अच्छा लगा, और मुझको उम्मीद है कि हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को और जर्नलिज्म के कंज्यूमर्स को, दोनों को इससे बराबरी की जानकारी मिलेगी। तो बिल्कुल, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ. हाँ दूसरा, मैं आपके सोशल मीडिया पेज से इसके लिए कुछ एक जो पब्लिक प्रोग्राम्स की जो तस्वीरें हैं वो आपसे लेने की इजाजत ले रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, नो इश्यूज. इसको मैं इसलिए भी ऑन रिकॉर्ड ले रहा हूँ ताकि जो जर्नलिस्ट साथी देख रहे हैं उनको ये पता रहे कि ऐसे आपको लेना के सोशल चाहिए. मीडिया पेज से भी कुछ लेना है तो आपको इजाजत लेनी चाहिए। ठीक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।